प्रकृति किसी का आज तक ना रखी है ना आगे भी रखेगी। आप साइंस में भी पढ़ते हैं क्रिया तथा उसके विपरीत प्रतिक्रिया बराबर तथा विपरीत दिशा में होती है। खाली पढ़ते हैं, उसको अपनाते नहीं हैं। अब कहिएगा भैया अपनाने का प्रयास करते हैं लेकिन कई बार भूल जाते हैं। भूलते नहीं हैं, वो आपके नेचर में शामिल है निगेटिविटी। इसलिए उस कार्य को करते समय आपको लगता है कि जो हम कर रहे हैं वही सही है, जबकि उसी जगह पर आपकी साधना अच्छी होती, स्वाध्याय अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय होता, संयमित जिंदगी रहती तो सेवा का भाव तो अपने आप उभरता है। और सेवा का मतलब किसी को पैकेट से पैसा निकाल के दे दिए, वहीं आज के डेट में लोग सेवा का मतलब क्या समझता है कि किसी को पैसे की जरूरत है पैकेट से निकाले और दे दिए, सेवा हो गया। किसी को वस्त्र की जरूरत, ऐसा कुछ नहीं है कि सेवा का मतलब आर्थिक रूप से मदद करना मतलब सेवा हुआ। अपनी सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, अपनी सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। गुरुदेव ने तो किताब लिखा है, आपको कभी मौका मिले तो पढ़िए। सेवा का मतलब ये नहीं है कि किसी को पैसा दिए, वस्त्र दिए, अन्न दिए तो सेवा। सेवा का मतलब ये भी हुआ कि किसी के जिंदगी में मुस्कुराहट दिए, किसी के तनाव को कम किए। ये दुनिया का आज के, खास करके कोविड के बाद या कोविड वाले समय जो चल रहा है अभी, बाद ही समझिए धीरे धीरे, इस समय तो सबसे बड़ी सेवा है कि लोगों के चेहरे पर आप मुस्कान दे दीजिए, उसके डिप्रेशन को कम कर दीजिए। बेचारा हमारा कितना विद्यार्थी इसमें बैठे हुए हैं भाई लोग, डेढ़ साल से ऑनलाइन के चक्कर में लिखना भूल गए हैं। अब उनको कहा जाता है कि लिखिए बढ़िया से तो हाथ थर थराने लगता है। अब वो तनाव में आ गए कि बिना लिखे हम रिजल्ट कैसे लेंगे। उनको मुस्कुराने का मौका दीजिए। अरे भैया कोई बात नहीं, बचपन के उन दिनों को याद करिए जब आपको क लिखने नहीं आता था, आपका लगातार प्रयास जब सकारात्मक रहा, आपने क भी सीखा, खस भी सीखा और क से कबूतर भी सीखा, और आज क से कितनी कहानी बना देते हैं उसको। तो आप ही वही व्यक्ति थे जो जीरो लेवल से शून्य से शिखर तक पहुंचने का प्रयास किए। कोई बात नहीं, डेढ़ साल में मौका आपको नहीं मिला, थोड़ा सा लड़खड़ा गए, फिर से आप उठ के खड़े हो सकते हैं। और इसी का नाम अध्यात्म है, इसी का नाम गायत्री महामंत्र है, जो आपके विचारों को सद्विचार के तरफ प्रेरित करे, जो आपके कर्मों को सत्कर्म के प्रेरित सत्कर्मों की तरफ प्रेरित करे, जो आपके अंतरात्मा को सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करे, इसी का नाम गायत्री महामंत्र है। दूसरा, कई भाई सोचते हैं कि सेवा का मतलब शरीर से श्रम करे। शारीरिक श्रम भी सही है, लेकिन कई जगह शरीर के श्रम से आपका वैचारिक श्रम ज्यादा मायने रखता है। आप संगठन से जुड़े हुए हैं, एक भाई उधर अपना मुंह बना के लड़ रहे हैं, दूसरा उधर लड़ रहे हैं, आप बीच में मजा ले रहे हैं। हम तो शरीर से काम करते ही हैं, ठीक है, आपके शरीर के कार्यों की महत्व है, उसके बिना भी सेवा अधूरा है। लेकिन अगर संगठन में वैचारिक मतभेद है तो वहां व्यवहारिक तरीके से अगर आप उसको डील करते हैं, ये भी सेवा है, वो भी सेवा है। ऐसा नहीं, अरे भैया ना ना बढ़िया है, बहुत हीरो बन रहे थे भैया जी, अभी तो लाइन पर लाए हैं, ये तो कुविचार है आपका, और फिर आपका गायत्री जपना व्यर्थ है। जहां संगठन की बात आए, जहां परिवार की बात आए, जहां समाज की बात आए, जहां राष्ट्र की बात आए, वहां पर अगर एकता वाली विचार लेके आप चलते हैं, व्यवहारिक रूप से मिलाने वाली विचार लेके चलते हैं, यह सबसे बड़ी सेवा है। और सेवा का महत्व मनुष्य के जीवन में है और रहेगा, ये जब तक धरती है। भले ही लोग सोचते हैं कि आज हम पैसे से बहुत पैसे वाले हो जाएं, बहुत धन आ जाएगा तो हम खुशहाल हो जाएंगे, लेकिन पैसा के साथ अगर आपके अंदर सेवा भावना है तो वो पैसा आपके जीवन में बरकत देगा, वो पैसा आपके परिवार में सुख और चैन देगा, वो पैसा आपके बच्चों में सुख और शांति देगा। वरना पैसे वाले का, बहुत सारे लोग पैसे वाले हैं, आप देखिए धन की कमी नहीं है, डिनर सेट है, सोफा सेट है, टीवी सेट है, मोबाइल सेट है, पूरा सेट लगाए हुए हैं, माइंड अपसेट है। उनसे पूछिए ना, भैया आपके पास तो सारा सेट लगा हुआ है, टीवी सेट भी लगाए हैं, सोफा सेट भी लगाए हैं, डिनर सेट भी, डाइनिंग हॉल सेट भी, सब लगा हुआ है, महंगा वाला एप्पल का मोबाइल सेट है, माइंड अपसेट है। सारे सेट के बाद फिर माइंड अपसेट क्यों है? क्योंकि उनके अंदर अध्यात्म की कमी है, उनके अंदर साधना की कमी है, उनके अंदर सद विचारों की कमी है।
और उनके अंदर सेवा की कमी है। सेवा करने वाला हो सकता है थोड़ी देर के लिए परेशान हो, लेकिन उसके जीवन से मुस्कुराहट समाप्त नहीं होती। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण, आप छोटे थे, आप लोग भूल जाते हैं ना, बचपन वाली चीजों को भूल जाते हैं, इसीलिए आपके जीवन में तनाव बढ़ जाता है। आप याद करिए, आप छोटे थे, कोई आपसे पानी मांगता था, घर में किसी से पानी मांगता था, एक गिलास पानी लाओ ना, आपको कितना अंदर से खुशी होता था, रुक जाइए हम ला के दे रहे हैं, करते थे कि नहीं करते थे? अभी मोबाइल के दुनिया में ये सब सठिया गया है, सेवा का महत्व को समझता ही नहीं है इसके दिमाग पर। और तो और हटाइए, शादी विवाह होता था, घर में जग होता था, सबसे पहले जग लेके पानी चलाने के लिए आप ही तत्पर रहते थे। कहां गया वो दिन, कहां चला गया वो विचार, कहां चला गया वो गुण? आज कोई आपसे पानी मांगता है तो आप उल्टे जवाब देते हो, उठ के पी लीजिए ना, ले सकते हैं ना, कहां गया भाई? यही तो अपना गायत्री परिवार सिखाता है। आप डेली करते हैं, स्वास्थ्य प्रजाभ्याम परिपालयन्ता न्याय न मार्गे रमई महिषा गो ब्रह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यम लोका समस्त सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामय सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम्। ये तो अपना देश दूसरे की खुशी में अपनी खुशियों को एंजॉय करता था, आज न जाने किसकी नजर लग गई। जो भारत की संस्कार और संस्कृति थी, इसकी पूरी दुनिया कायल थी। आज हमारे देश के नौजवान भारत के संस्कार और संस्कृति को कौन करे, वेस्टर्न कल्चर को अपने जीवन में लेके दौड़ रहा है। क्या करिएगा लेकर, उन चीजों को लेकर आप क्या करिएगा, आपको क्या मिलने वाला है उससे, वो किस हद तक आपको गिरा रहा है आपको नहीं पता है। अभी कम उम्र में आपको लगता है कि हमको बहुत सारी चीजें मिल गई है, हमको मोबाइल मिल गया, हमको फलाना चीज मिल गया, इस पर हम क्या क्या ना जाने देखते हैं। माफ करना, ये देश वो था जहां साधारण गडेरिया का लड़का शिवाजी बन के निकला, नास्तिक नरेंद्र विवेकानंद बन के निकले, क्या इस मोबाइल के दम पर, इस नेट और इंटरनेट के दम पर नास्तिक नरेंद्र विवेकानंद बने, अर्धनग्न व्यक्ति गांधी के नाम से जाना गया। कल बहुत सारे लोग 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाए होंगे, गांधी के त्याग के बारे में पढ़े हैं? नहीं भैया, वो तो नोट पे आता है, फोटो तो सब लोग मनाया, हम भी मना दिए भाई। वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में आप नहीं पढ़े, और तस्वीर को आप अगरबत्ती दिखा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, ऐसा व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति जो साउथ अफ्रीका में क्लाइंट ने कॉलर पकड़ के पैसा वसूल लिया, जब बैरिस्ट्री करने के बाद जाते हैं जज के सामने पैर कांपने लगता है, कॉलर पकड़ के क्लाइंट ने पैसा तक वसूल लिया, उनके मन में हम आप होते सोचते छोड़ो अब कुछ नहीं है, जिंदगी बेकार है। आप लोग सोचते हैं एक जगह रिजल्ट नहीं हुआ, बहुत तैयारी किए थे, अब लगता है नहीं होगा, अंदर मन हताश निराश। अपने खुश रहे तब ना खुशी दे किसी को, अपने तो तनाव में है, दूसरा आता है उसको भी तनाव दे देता है, तनाव में है, एक बार रिजल्ट नहीं हुआ मायूस बैठा हुआ है, कोई दूसरा अगल बगल वाला नया फ्रेशर लड़का जो अभी अभी पटना आया है, पूछा भैया रिजल्ट का क्या हुआ, नहीं हुआ, कितना साल से तैयारी कर रहे थे, 8-10 साल हो गया नहीं हुआ, वो बेचारा थोड़ा ऊर्जा लेके आया है, अभी नया नया आया है, तुरंत ज्ञान दे, अरे भैया जनरल के तैयारी के लिए 8 साल के क्या जरूरत है, 2-3 साल मन से पढ़ लिया जाए तो जनरल की तैयारी आदमी सक्सेस हो जाएगा, बढ़िया से निकाल लेगा, अब उसको तुरंत ज्ञान देगा, अभी नया नया ना आए हो, नीचे वाला सेकंड फ्लोर पर देखो जाके ध्यान से, 14 साल हो गया भैया के अभी तक नहीं हुआ। उसके बगल वाले को दिखाएगा, फर्स्ट फ्लोर वाला, वो तीसरका रूम जो कोना में भैया एकदम भीतर रहते हैं, उनका 15.5 साल हो गया, ज्ञान दे रहा है। अब मायूस, एक उदास दूसरे को खुशी कैसे दे सकता है, एक हताश व्यक्ति दूसरे के जीवन में नहीं दे सकता है। ये कहते हैं हाँ हो सकता है कि हमारी तैयारी में कुछ लैकिंग रही हो, आप ईमानदारी से प्रयास करिए, 3 साल में नहीं भी निकलेगा तो 4th साल में आपका जरूर हो जाएगा, उसको भी एनर्जी मिलेगा, वो भी एक पॉजिटिव ऊर्जा के साथ तैयारी करेगा। गांधी के जीवन में तनाव आया, लेकिन गांधी जी लौट के जब अपने देश आते हैं
तो उन्होंने सबसे पहले तलाशा कि मेरे देश में लोग खुशहाल कैसे रहते थे, मेरे देश के साधारण से साधारण व्यक्ति के अंदर असाधारण प्रतिभा कहां से पैदा होती थी। उन्होंने तलाशा और पाया कि मेरे देश का अध्यात्म तो इतना शानदार था कि यहां नास्तिक को नरेंद्र बना देता है, हमारे देश का अध्यात्म तो इतना ताकतवर था कि उंगलीमाल को बुद्धम शरणम गच्छामि बुद्ध के शरण में ला देता है, मेरे देश का अध्यात्म इतना पावरफुल था कि रत्नाकर जैसे डाकू को वाल्मीकि बना देता है। हम तो सब्जेक्ट में उलझ के रह गए थे, सब्जेक्ट को ही सब कुछ मान लिए थे, मेरा फिजिक्स, मेरा मैथ, मेरा केमिस्ट्री, मेरा इंग्लिश, मेरा रीजनिंग, उसकी आवश्यकता है लेकिन शुरुआत इंसानियत के साथ हो तो वो आपके जिंदगी में आए तो मजा आ जाए, वरना तनाव के घड़ी में ना फिजिक्स का फॉर्मूला काम आएगा, ना रीजनिंग का ब्लड रिलेशन याद आएगा, ना मैथ का आपका होल स्क्वायर होल क्यूब ना ट्रिगोमेट्री और ज्योमेट्री काम आएगा, ना इतिहास के बाबर काम आएंगे, ना भूगोल के नक्शा काम आएगा और ना इंग्लिश के आपका रट रट के मीनिंग जो बैठे हुए हैं वो काम में आएगा। जब जिंदगी में तनाव आता है तो केवल और केवल अध्यात्म काम आता है और इसी का नाम भारतीय संस्कृति है। इसके अलावा आपको कोई काम नहीं देगा, न चाचा काम देंगे, न मौसा, न फूफा। यहां तो आज के लोग इतने सातिर हैं, अपने बीच भी आएंगे, जी भैया आपको कोई जरूरत हो, गायत्री परिवार के लड़कों को कोई जरूरत हो आप मेरे पास भेजिएगा, बाकी लोग से हट के व्यवहार किया जाएगा। बहुत ज्ञानी, इतना ज्ञानी, अरे भगवान, भैया कई बार कहते हैं ना कि जैसे ईश्वर के सामने आप बैठते हो भगवान पहले स्कैन करता है आपको कि जो दिखता है वो है कि गड़बड़ है, ऊपर से दिखाता है। भैया युवा मंडल के लड़का आप निश्चिंत रहिए, हम लोग के अंदर गायत्री परिवार वाला संस्कार है, अंदर वही संस्कार है जो आप दिए हैं, और बेचारा युवा मंडल के लड़का जाता है, मदद तो दूर की बात है, उसको तड़पा के छलनी करके भेज दिया जाता है, उसको परेशान कर दिया जाता है। किस बात का आपने गायत्री जपा भाई, और कैसा आपने गायत्री जपा जो आपके दिल में थोड़ा भी इमोशंस पैदा नहीं किया, किस तरह के आपने गायत्री को अपने जीवन में उतारा जो आपके व्यवहारिक गुण में परिवर्तन नहीं लाया, किस तरह के आपने अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय किया, और किस तरह कहते हो कि आप हमारे गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव हैं, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हैं, जो आपके दिल में इमोशंस पैदा नहीं किया, हमारे गुरुदेव ने पूरे जीवन प्यार बोया है, प्यार बांटा है और प्यार काटा है, और आप उसी गुरु के शिष्य होते हुए यहां से सब कुछ देखा, सोचा, समझा, और कोई आपसे मिलने जाता है, थोड़ी सी ईश्वर के कृपा से आपको एक स्थान मिल गया है, आपके अंदर अहंकार आ गया, हम तो बहुत पैसे वाले हैं, हमारे पास ये है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं करने वाला बकरे की तरह हलाल हो जाता है। कभी मैं मत करो, ये ईश्वर की असीम अनुकंपा है कि आपके जीवन में कुछ कार्य करने के लिए परमात्मा ने थोड़ी बहुत चीज दी है और आप उसको अपनाते नहीं हो, आप तो मैं करने में, मैंने ऐसा किया, आपने कुछ नहीं किया, परमात्मा ने आपको छोटे रूप में मौका दिया कि आपको यह दिया जा रहा है, आप इसको संभाल पाओगे कि नहीं, आप उसी में खुश हो, परमात्मा समझ जाता है कि इससे आगे बढ़ने वाला नहीं है, बस इसके लिए इतना ही काफी है। अगर शायद आप परमात्मा के अनुदान वरदान को समझते कि यह मेरा आगाज है तो अंजाम बहुत दूर तक जाते हैं, आप तो छोटी चीजों में उलझ जाते हो और तब कहते हो भैया मेरा सब कुछ शुरू में सही रहा अब नहीं चल रहा है। अरे ईश्वर ने मौका दिया आपको सेवा करने का, ईश्वर ने मौका दिया आपके जीवन में कुछ सकारात्मक सोच के साथ करने का, आपने नहीं किया तो खाली रह गए, और खाली रहने के बाद फिर छाती पीटिएगा, भगवान मेरे साथ गलत कर दिए। ईश्वर कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करते, वो न्याय करते हैं, और जब न्याय होता है तो आपके जीवन में जो अन्याय हुआ रहता है उसका परिणाम मिलता है, तो आपको कष्ट होता है कि ईश्वर ने मेरे साथ गलत किया। भगवान आज तक किसी के साथ गलत नहीं किया और ना कभी करेंगे। मेरे मित्र, ये भारत का अध्यात्म जब उस गांधी के अंदर जाता है तो वो गांधी अपनी जीवनी में लिखते हैं, अगर मैं नियमितता पूर्वक 20 मिनट कमरे बंद करके 30 मिनट गायत्री की साधना नहीं करता कब का पागल हो गया रहता। यही अध्यात्म जब आपके अंदर डाला जाता है, शुरू का तो 1 महीना आप चार्ज रहते हो, 1 महीना बाद क्या है गायत्री मंत्र, 1 महीना तो करके देख लिए, बचपन से लेके आज तक तो इंटर तक पढ़े, ग्रेजुएशन पढ़े, कुछ लोग पीजी कर गए,
इतने साल बाद फिर काहे तब परेशान है। एक महीना गायत्री की साधना करने के बाद क्या है गायत्री मंत्र, इतना दिन से तो सब्जेक्ट भी पढ़े हैं, क्या है आपका सब्जेक्ट, जीरो है तब, जो आपके जीवन में तनाव को दूर नहीं करता है। मेरे मित्र, इसी के लिए अपने यहां नवरात्र के 9 दिन की साधना कराई जाती है। इसकी विशेष सूचना लास्ट में दी जाएगी। सामूहिक साधना 6 से 8 यहां एक साथ बैठ के, जिसका संकल्प बुधवार को यानी 6 तारीख को शाम में दिलाया जाएगा, समय बता दिया जाएगा लास्ट में। एक साथ हमारे हजारों भाई यहां बैठते हैं और उनके जीवन का परिवर्तन, आप किसी से पूछो जो नवरात्र साधना में शामिल हुए और लगातार गायत्री की साधना करते रहे, भैया हमको विश्वास नहीं था कि मेरे जीवन की बुराइयां इतनी जल्दी समाप्त हो जाएगी, भैया मेरे जीवन में बहुत सारी निगेटिविटी थी चली गई। मेरे मित्र, 9 दिन की यह साधना परमात्मा द्वारा विशेष संयोग बनाया जाता है मानव के जीवन को परिवर्तन करने के लिए, मानवता के पथ पर चलाने के लिए।